जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। कभी कभी अंदर के मंजर से बाहर का मंजर ज्यादा हसीन हो जाता। आपा जल्दी आके। हाँ, तबीयत थोड़ी बेजार सी थी। कल शाम डॉक्टर की तरफ जाना है, तुम तैयार है ना? अच्छी डॉक्टर है, समझदार है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। आपने डॉक्टर को बता दिया है कि? हाँ, समझा दिया है, काफी एक्सपर्ट है। अरे बुत क्यों बन गई? देखो, तुम अपनी सोचों को सिर्फ मुझ तक महदूद कर लो। आशिर की कौन? ये आशिर तुम्हें फोन क्यों करता है? बताओ, ये तुम्हें फोन क्यों करता? जवाब दो वफा। धनिया प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत समझ रहा हूं? तुम्हारे मोबाइल में उसका नंबर सेफ है। उसका नंबर तुम्हारे मोबाइल में कैसे आया? शरीफ बता, शायद जब वो फ्लैट आया था तो। देखो, ठीक ठीक बताओ वफा, कोई ताल्लुक जरूर है। ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है दानिया। ताल्लुक नहीं तो फिर तुम्हारे मोबाइल पे उसका नंबर कैसे? कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आशिर मेरे ऑफिस में मुलाजमत करता है। मैं डॉक्टर को आशिर के साथ भेजता हूँ। आशिर जो मेरी बीवी को पहले से जानता है, कब से जानता है मालूम नहीं। दानियाल प्लीज, आप एक फोन कॉल की वजह से मुझ पर ऐसे शक कर रहे हैं। शक तो होता है वफा, जहाँ शदीद मोहब्बतें होती हैं, और यहाँ तो बहुत माकूल वजह मौजूद है। क्या वजह? तुम हो ही इतनी हसीन के कोई भी तुम्हारा दीवाना बन सकता है। दानियाल, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसी बातें करेंगे। मैंने अपनी पूरी जात आपको सौंप दी है। पूरी जात नहीं सौंपी तुमने, कुछ हिस्सा छुपा के रखा तुमने, है ना? कुछ नहीं छुपाया है दानियाल, कुछ नहीं। गलत फहमी है आपको। गलत फहमी? यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं एक बेवकूफ इंसान हूं जो कुछ भी समझ लेता है, यही ना? यही मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे तुम्हारे माजी के मुतालिक नहीं पूछा। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे? प्लीज मुझ पर एतबार करें। हेलो।
अरे उमेर, आजो 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 आजो। क्या हाल है? ठीक ठाक। आजो अंदर। तुम्हें मेरे घर का पता याद रहा? जी बहुत आसान था, माम ने मुझे समझा दिया था। अच्छा चलो आजो अंदर आओ। अच्छा तो तुम्हारे आने का इल्म माम को भी है? जी आशिक। खैरियत, आपने मुझे आज क्यों बुलाया? मेरा ख्याल है कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। आपको माम ने कुछ बताया है शायद? नहीं, वफा ने बताया है और ये भी कहा है कि तुम दोनों को समझाऊं। देखें हाशिर भाई, मेरी मामा अपनी शरायत पूरे हुए बगैर नहीं मानेंगी। वैसे भी ये माम और मेरी जिंदगी का मामला है, इसके फैसले लेने का हक हमें पूरा होना चाहिए। लिहाजा आप वफा बाजी को समझाएं कि अगर मैं अपनी मामा के फैसले से टकरा सकता हूं तो उनके फैसले मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रखते। मैं कोर्ट मैरिज करूंगा, दैट्स ऑल। अगर तुम कह चुके हो तो मैं कुछ कहूं? जी कहिए। तुम जिस तरह वफा को कसूरवार ठहरा रहे हो, उसी ने मुझसे कहा है कि कुछ इंतजार करो, वो तुम्हारी वालदा की शरायत पूरी कर देगी। क्या वफा बाजी? लेकिन वफा बाजी की सैलरी के आगे ये प्रॉमिस तो एक जोक है। देखो मेहर, अगर तुम मुझे अपना भाई अपना दोस्त समझते हो तो वफा की कॉल का वेट जरूर करना। चले, आई वेट। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाशिर, बैठो। खैरियत तो है सर, कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ हाशिर, परेशानी की तो बात है, लेकिन जो भी कुछ हुआ उसकी वजह समझ नहीं आ रही मुझे। ऐसा क्या हो गया सर? हाशिर, बड़े अफसोस से मुझे बताना पड़ा है कि दानियाल साहब ने हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से मना कर दिया। What? लेकिन कोई वजह तो बताई होगी उन्होंने? मैंने कहा ना, सिर्फ एक ईमेल की और रिफ्यूज कर दिया, कोई रीजन नहीं, कोई वजह नहीं। वजह मालूम। देखो मैं 10-15 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, जब तक तुम ये क्या है? ये क्या मेडिसन है और क्या है? इसे 3 दिन खाना है और दिन में 3 टाइम, सब ठीक हो जाएगा, बाकी मैं आके देखता हूँ। ये लो। ठीक दानियाल, ठीक उसे करते हैं जो गलत हो। मैं किसी कीमत पर ये दवाई नहीं लूंगी। क्या मतलब किसी कीमत पर? वफा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जिंदगी मेरी अमानत है, तो अब क्या हुआ? मैं अभी भी आप ही की अमानत हूँ। जब तुम मेरी हो तो फिर साबित कर दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। चलो शामिश, ये मेडिसिन खा। नहीं वफा, ये खानी पड़ेगी, प्लीज। नहीं मैं क्या? नहीं सुनो, तुम यहाँ की सही तरह देखभाल तो रखती हो ना? जी हाँ साहब जी। अच्छा तुमने कभी किसी मेहमान को देखा है जो बीबी साहब से मिलने आया हो यहाँ? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा, सब खैरियत तो है ना?
हाँ वो हमारी बीबी साहबा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर कोई यहाँ आए तो तुम एक काम करो, मुझे फौरन मोबाइल पे इतला करना। जी ठीक है। और एक बात और, बीबी साहबा को शक नहीं होना चाहिए कि मैंने ये सब कुछ तुमसे कहा। तुम समझ गई हो? ठीक। अर्जेंट ये काम करना है कि इस घर की राइश की जो तब्दीली मुमकिन है वो कर दीजिए, क्योंकि आप इस घर के पुराने हैं, यहाँ की पसंद और नापसंद को अच्छी तरह समझते हैं। दानियल साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब देख लूँगा। देख लीजिएगा, परसों तक उन लोगों ने आ जाना है। वैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ, कोई भी मशवरा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये कर्टन्स बदल दें तो? नहीं, कर्टन्स मुझे नहीं लगता, कर्टन रहने दीजिए, सायरा को पसंद आएंगे। हाँ एक काम कीजिएगा, बजाज साहब के कमरे को देख लीजिएगा, आप किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग हो आप कर सकते हैं। लाइटिंग को चेक कर लीजिएगा, कोई इशू ना हो। बाकी आई डोंट नो कि वो चौकीदार ने डस्टिंग करवाई है या नहीं, ओवरऑल आप सब देख लीजिएगा। वो सब मैं देख लूँगा, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। एक चीज़ और, मेरे साहब मैंने आते हुए गार्डन में फ्लावर्स को देखा, कुछ कमी लगी, फ्लावर्स मजीद लगवा दीजिए, सारे को पसंद आएंगे। जी जी जरूर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं किसी अच्छे गार्डनर को दिखा दूंगा। मेरे लाइक कोई और हुक्म हो दानियल साहब? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तीन साल लगेंगे मुझे अपना कोर्स मुकम्मल करने में दानिया, तीन ही नहीं चाह रहा है जाने को, मगर फ्यूचर पर भी नज़र रखनी है ना, मजबूरी है। देखिए साहब, मुस्तकबिल पर नज़र रखना ज़रूरी होता है, मजबूरी नहीं होता। जब तक तुम यहाँ क्या करोगे? मैं भी अपने मुस्तकबिल पर नज़र रखूँगा। अच्छा, ज़रूर मुस्तकबिल पर नज़र रखना, मगर हाल को ना भूल जाना। वक्त मुझे किस मुकाम पर ले आया है, मैं अपना वजूद कहाँ छुपाऊं? मेरे पास मेरे वजूद की पाकीज़गी की गवाही तक नहीं है। अगर मैं दानियाल की बात मानती हूँ तो मेरी जान जा सकती है, और अगर मैं अपने बच्चे को जन्म देती हूँ तो दानियाल उसे अपना नाम भी नहीं देंगे। कोई नहीं जानता कि मैं शादीशुदा हूं। Thank you.
हाशिर। हेलो, हाँ वफा, कैसी हो तुम? दिल बहुत घबरा रहा था, बस इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। हाशिर, मुझे आज ही मिलना है, जरूरी काम है। आज ही? सब खैरियत तो है वफा? नहीं, खैरियत नहीं है, मैं एक मुश्किल में हूँ और फैसला नहीं कर पा रही। मैं आऊँ वहाँ फ्लैट पर? नहीं नहीं, फ्लैट पर तो हरगिज मत आना। मैं उसी रेस्टोरेंट आ रही हूँ 12 बजे। 12 बजे यानी 1 घंटे बाद। तुम अभी कहाँ पर हो? अभी मैं फ्लैट पर हूँ, बस निकल रही हूँ, तुम वहाँ पहुँचो। दानियाल तुम्हें घर से निकलने देगा? मैं इस्लामाबाद गया हूँ। अच्छा, मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जैतून, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम यहाँ ख्याल रखना, मैं सुबह में आ जाऊंगी। इतनी रात हो रही है, यहीं रुक जाइए ना। नहीं, मैं सुबह में आ जाऊंगी, ड्राइवर मुझे छोड़ देगा, ठीक है? यहाँ लॉक कर देना। साहब जी, मैं सतून बोल रही हूँ। हाँ बोलो। बीबी साहिबा अपने घर गई हैं। मैंने तो बहुत रुका कि सुबह चली जाइएगा, लेकिन वो रुकी ही नहीं। तो रो क्यों रही थी? ड्राइवर के साथ गई है ना? जी साहब, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हर वक्त तो रोती रहती हैं। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है जी। बीबी साहिबा, ये घर का रास्ता तो नहीं है, कहीं आप भूल तो नहीं रही? नहीं चाचा, बस मुझे यहाँ कुछ काम है, आप यहीं रोक दें। बीबी साहिबा, मैं आपका इंतजार करूंगा यहाँ पे। नहीं, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। अगर साहब पूछे तो आप कहेगा आपने घर पे ही उतारा है, वरना वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है जी? ठीक है बीबी साहिबा। क्या हुआ, सब ठीक है? इतनी घबराई हुई क्यों? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ये मुश्किल तुमने खुद अपने लिए मुंतखब की है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस शादी को खुफिया क्यों रखा हुआ है? ये मेरी नहीं, दानियाल की शर्त है। दानियाल ऐसा क्यों कर रहा है? मैं ज्यादा नहीं जानती और ना ही दानियाल बताना चाहता है, सिर्फ मेरे रिश्ते को अपने साथ पोशीदा रखना चाहता है। तुम इस बात पर दानियाल से बगावत कर लो। मैं नहीं कर सकती, मैं बेबस हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि मैंने एक अग्रीमेंट साइन किया है कि मैं दानियाल के साथ इस रिश्ते को पोशीदा रखूंगी। खुफिया शादी? मगर ऐसा कब तक चलेगा बाबा? जब तक दानियाल चाहेंगे। तो तुमने क्या किया बाबा? मुझे अपने घर को नीलाम होने से बचाने के लिए यही करना पड़ा। कितनी बार कह चुकी हूँ मैं। मगर माँ बता रही थी कि घर के पेपर्स वो तुम्हें दे चुका है, तो फिर क्यों डर रही हो? दानियाल एक बिजनेसमैन है, उसने अभी तक लोन की फाइल क्लोज नहीं की है मुझ पर। 2 करोड़ के ड्यूज है। तो क्या परेशानी है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? आशा, मैं शादी को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। और मैं दानियाल के बच्चे की मां बनने वाली हूँ।
कितने दिन के लिए जा रही हो? बस 7-8 महीने। और आप रहेंगी कहाँ? अनजान मुल्क में अजनबी लोगों के साथ? ये कैसी जॉब है आपकी जो दिन ब दिन आपको हमसे दूर कर रही है? वहां कंपनी का फ्लैट है, हर तरह की सहूलत होगी वहां, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कैसे नहीं है परेशानी की बात? कभी रही हो अलग घर वालों से? तो बात हमें अलग रहने की नहीं है, बात हमारे हालात की है, और इस सफर से हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। शायद आप हमारे बगैर रह सकती हैं, लेकिन हम दोनों आपके बगैर कैसे रहेंगे? प्लीज केस से क्या मतलब? आप यहाँ? आप इस्लामाबाद में नहीं थे? हाँ, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। दरअसल तुम्हें देखने के लिए आया था। जैतून ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो घर पर ही रुक जाती है। मैं घर छोड़कर आ गई। क्या मतलब तुम घर छोड़कर आ गई? इससे पहले कि मुझ में आने वाली तब्दीलियां मेरी रुसवाई का सबब बने, मैं घर पे कहकर आ गई हूँ कि कंपनी की तरफ से मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ। लेकिन कब तक के लिए मुझे कुछ बताना पसंद करोगी? जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा। क्या इसका मतलब है तुम फैसला कर चुकी हो कि तुम इस बच्चे को जन्म दे रही हो, है ना? तुम ये चाहती हो कि ये बच्चा हम दोनों को रैदा करते? धन्यवाद, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? ऐसा ही होगा वफा। अगर तुम ये फैसला कर चुकी हो कि तुम इस बच्चे को जन्म दे रही हो, तो फिर एक बात समझ लो, हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? आप देख नहीं रहे कि आप अपनी जिद में दो जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं? ये बच्चा जिंदगी नहीं है, मौत है मेरे स्टेटस की, मेरे हाल की, मेरे मुस्तकबिल की। ना मैं इसे अपना नाम दे सकता हूँ, ना ही अपनी जायदाद में हिस्सा। मैं आपको कब कह रही हूँ, कब कह रही हूँ उसको अपनी जायदाद में हिस्सा दे? मैं सिर्फ आपसे भीख मांग रही हूँ, मुझे उसकी माँ बनने की खैरात दे दो, खैरात बख्श दे प्लीज। तुम मेरे एहसान का पास नहीं हो, मैंने तुम्हारे दुख को समझा, मैंने तुम्हारे आंसुओं को समेट कर मुश्किलात की दलदल से निकाला तुम्हें, और तुम ये क्या कर रही हो? मेरे एहसानों को बालाए तक रख कर मां बनने जा रही हो, और तुम तो उस एहसान को भी भूल गई जो मैंने तुम्हारे बाप शाकिर एहसान पर किया। बैठो भाई, एक गुड न्यूज है। जी जी सर, वो क्या?
मिस्टर दानियाल ने हमसे रابطہ किया है और वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनली तैयार हो गए। अरे सर, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। भाई बिजनेस में ऐसे चांसेस कभी कभी आते हैं और उनको जाया नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये सब कुछ कंपनी के प्रॉफिट में है लेकिन तुम्हें लॉस है। उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट और इस कंपनी से अलग कर दिया जाए। देखो वफ़ा, तुम इस तरह रो कर मेरा फैसला नहीं बदल सकती। इसलिए नहीं रो रही कि आपका फैसला बदल सकूं, इसलिए रो रही हूँ कि आपने मेरे बाबा पर एहसान का ताना मारा है। मुझे मेरे पापा की इज्जत मुझे हर शय से ज्यादा प्यारी है। हाँ तो तुम्हें बुरा लगा, मगर मेरी इज्जत को चलने में तुम्हें हार नहीं। तुम उस पर यूं पांव रख कर गुजर जाओगी? हैं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती और ना ही ऐसा कर सकती, इसीलिए मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, अपनी भी और उसकी भी जो मेरे वजूद में पल रहा है। तुम्हारा फैसला? मेरा फैसला आप ही के हक में है, अपनी कामयाबी का जश्न मना ले। ऐसे भी एक कमजोर और एहसान मंद लड़की आपके फैसलों के साथ कब तक लड़ सकती है? मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझोगी। एक माँ और बच्चे के कत्ल में आपका क्या फायदा है, मैं ये जानना भी नहीं चाहती। क्या ये क्या कहा तुमने? यानी तुम समझती हो कि मैं इस हद तक गिर सकता हूं, इतना जालिम हो सकता हूं? वफ़ा, तुमने ये क्या कह दिया? तुमने बहुत बड़ी बात कर दी तुमने। मैंने आपसे जो कहा, मैं शर्मिंदा हूं, मैं क्या करूं, मेरे औसान बेख्तियार हो चुके हैं। ठीक है वफ़ा, अब मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आता है या नहीं, मगर इतना याद रखना मैं उसे अपनी दुनिया में जगह नहीं दे सकूंगा, वो तुम्हारी दुनिया तक महदूद रहेगा बस। मैं आपकी इस दीवी अधूरी खुशी का क्या करूं? बस यही समझ लेना वफा के मेरी मजबूरियां और तुम्हारी खुशियां उलझी हुई हैं। सर नहीं आया आपके साथ? नहीं, मैं फ्रांस से आ रही हूँ, वो इंग्लैंड में है, किसी मीटिंग के लिए रुके हैं, वो आ जाएंगे। अच्छा, तब तक आप अकेली रहेंगी? क्या, वहाँ क्या मैं किसी फौज के साथ रहती थी? मेरा मतलब ये नहीं था। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अकेली लड़की जात इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूँगी? हरगिज मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मेरा मतलब तो सिर्फ कहने का ये था कि मैं जानता हूँ इस लड़की को कि आप बहुत बहादुर हैं, हज़ारों लोगों से डील करती हैं आप और लोग खाइफ हैं आपसे। नॉट रियली दानिया, मामा की डेथ के बाद मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं रही, मुझे बहुत डर लगता है। इनफैक्ट अपने साथ काफ़ी सारे डर पाल रखे हैं मैंने। क्या कह रही हैं आप? इतना ट्रैवल आपने अकेला किया, कितने मुल्कों में गई आप, हज़ारों लोगों से मीटिंग के हवाले से मिलना होता है, लोग तो आपसे खाइफ रहते हैं। वो कोई और है जो इतने सारे लोगों से मिलती है,
बिजनेस करती है। मैं जो सायरा की बात कर रही हूँ वो मेरे अंदर है, वो कोई और। इतने दिनों बाद मिल रहे। जब इतने घटिया इल्जामात लगाओगे तो ऐसा ही होगा ना। भूल भी जाओ यार, कितनी माफियां तो मांग चुका हूँ तुमसे, इतनी माफियां तो मजनू ने नहीं मांगी होंगी लैला से। माफ कर चुकी हूँ मैं तुम्हें, लेकिन प्लीज खुद को तुम मजनू से ना मिलाओ। वो क्यों? सुना है वो बहुत माकूल आदमी था। अच्छा तो मैं माकूल भी नहीं। खैर तुम्हारे नसीब में जो था वो तुम्हें मिल गया, अब एक संजीदा बात कर लो। करो अगर तुम कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वफाबाजी मामा की डिमांड पूरी कर लेंगी? कहा तो उन्होंने यही है, क्या कह सकते हो। मैं नहीं समझता कि वो ये सब कुछ कर पाएंगे, और वैसे भी मैंने तुमसे कहा है कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, क्या जरूरत है ये सारा बिखेड़ा करने की। यही बात मैंने वफाबाजी से की थी। तो क्या कहा उन्होंने? जोरदार थप्पड़ मारा था मेरे मुंह पर, तारे नजर आ गए थे। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि वो नौकरी से इतना सब कुछ कैसे कर ले। जो काम वो कर रही हैं उन्हें इसमें सब कुछ मिल सकता है, बल्कि इससे भी ज्यादा मिल सकता है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी और मेरी शादी कब होगी? वफाबाजी तो ऑफिस के काम से मुल्क से बाहर गई हुई है 7-8 महीने के लिए, उनके आने के बाद ही कुछ फैसला हो सकता है। 7-8 महीने? ये तो कई साल में गुजरेंगे है ना। 7-8 महीने 7-8 महीनों में ही गुजरते हैं, तब तक तुम अपना पढ़ाई में दिल लगाओ ताकि आगे चलकर तुम कोई अच्छी सी नौकरी कर सको। नौकरी? मैंने नौकरी करनी है आगे चल के? डबल नौकरी। क्या डबल नौकरी? एक नौकरी तो तुम्हें मेरी करनी है और एक मेरे लिए करनी होगी, मंजूर हो तो बोल। हाँ हाँ मंजूर है, एक नौकरी तो यकीनन करूँ। चलो ठीक। सही कहते हैं लोग, अपना घर अपना ही होता है। मुझे अपने घर के दरो दीवार बहुत याद आते थे। मेरा ख्याल है इस घर के दरो दीवार ने भी आपको बहुत याद किया होगा। सिर्फ दरो दीवार? तुमने याद नहीं किया? क्यों नहीं, जब ये बेजान दीवारें आपको याद कर सकती हैं तो हम जीते जागते लोग क्यों नहीं याद कर सकते? इसका मतलब तुमने मुझे याद किया। काम कैसा है तुम्हारा? बहुत तेज। पापा का काम भी काफी अच्छा चल रहा है। वो तो है जीनियस। थैंक यू। काफी अच्छा इंटीरियर किया है तुमने दानिया, तुम्हें मेरी चॉइस अभी तक याद है? आप लोग मुझे याद नहीं होंगे तो कौन होगा? मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा एहसान मंद है आपके बाबा का, आपका। मैं, तुम अक्सर ये बात कहते हो और मैं अक्सर तुम्हें मना करती हूँ। तुम किन एहसानात की बात करते हो? तुम्हारी ये बातें कहने से ऐसे लगता है जैसे हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुम सिर्फ अपने एहसानात का बदला चुकाने के लिए यहाँ हो। मुझे नहीं ये सब सुन के अच्छा लगता। सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। यू डोंट नीड टू से सॉरी, कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी करने की। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम बाबा के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके बाबा ने मुझे गुरबत के अंधेरों से निकाल कर जिंदगी के उजाले बख्शे हैं, एक शफीक बाप की तरह। अच्छा 2 दिन में बाबा वापस आने वाले हैं, मुझे ये बताओ हम 2 दिन क्या करने वाले हैं? मैंने आपके लिए कुछ म्यूजिक एल्बम मंगवा ली हैं और कुछ बुक्स आपकी शेल्फ में रखती हैं, आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकती हैं। बुक्स फॉर व्हाट? मुझे नहीं पढ़नी, मुझे 2 दिन एंजॉय करना है, म्यूजिक सुनना है और तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। मगर मैं तो चला जाऊंगा। कहाँ? मेरा मतलब है मैं अपना आना जाना रखूंगा आपके पास। एक्सक्यूज मी, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यही हो बाबा के आने से पहले भी और बाद में भी। ये कैसे मुमकिन है? मजाज सब जब आ जाएंगे तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। प्लीज
समझने की कोशिश करो। हेलो। हाँ मैं दानियाल। मैं आपकी आवाज अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम्हारी मर्जी है वफा, तुम मेरी आवाज पहचानो या ना पहचानो, आप शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे इस्लामाबाद में कुछ दिन और लगेंगे। तुम चाहो तो अपने माँ बाप के घर जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी। दानियाल अब मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? मैं वहाँ बता कर आई हूँ कि मैं मुख से बाहर हूँ, और वैसे भी अब मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं घर जा सकूँ। पिंजरे का दर आपने खोला भी तो पर कुतरने के बाद। यही तो मैं कहता हूँ वफा, तुमने इस घर को कभी घर समझा ही नहीं, हमेशा कैद खाना समझा। दानियाल घरों में लोग रहते हैं, मियाँ बीवी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, मेरी तरह कौन रहता है? चलो मैं फोन बंद करता हूँ, कुछ काम हो तो फोन कर सकती हूँ। ओके। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।